तो दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कल गुड़ाई के बाद आज वर्मी कंपोस्ट दे रहे हैं सारे प्लांट को, तो पूरा अच्छे से आपको डिटेल में जानकारी देंगे, तो बने रहिए पूरे ब्लॉग के साथ में। चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, स्वागत है आप सभी का। आज की तारीख है 3 अगस्त, सुबह के 8 बज रहे हैं और हम आ गए हैं आपको आज की वेजिटेबल गार्डन अपडेट देने के लिए। तो आप देखिए ध्यान से कि ये फूल देखिए आप, उसका माल अभी तक जब तक आप रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे हमारे, तो आपको समझ में आ रहा होगा इस एक पौधे ने हमको कम से कम अभी से जब से 1 माह में 50 फूल तो दे दिए होंगे। और अभी आप देखिए कितने आ रहे हैं, देखिए ये वो देखिए छोटा एक, मतलब इसमें 20-25 कलियाँ और हैं। तो आज हम क्या कर रहे हैं, आज सभी को नमस्कार। तो देखिए ये वर्मी कंपोस्ट है हमारे पास, ये वर्मी कंपोस्ट देखिए ये रखा हुआ है बहुत सारा हमारे पास। एक्चुअली 1-2 बोरी हमने पहले से इकट्ठा कर रख लिया था, तो हमारे पास रखा हुआ है, हम उसको आज सारे प्लांट्स में डालेंगे, क्योंकि गुड़ाई के बाद खाद डालना चाहिए, चाहे केमिकल डालें चाहे आप ये जैविक खाद डालें, तो आज हम ये करते हैं ड्यूटी। एक्चुअली इसमें क्या है, थोड़ा सा ये बहुत गमला भर गया है, अभी तो बरसात में ज़्यादा दिक्कत पानी की नहीं आती है, लेकिन जब गर्मियाँ होती हैं तो पानी फिर ज़्यादा देना पड़ता है, तो उस कंडीशन में हम थोड़ा सा इसमें से जो मिट्टी है हमारी उसको हम दूसरे प्लांट में, जैसे हमारे ये अप्राइज दाम में थोड़ी सा कम है, तो अप्राइज दाम में हम थोड़ा सा शिफ्ट कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा शिफ्ट करके जहाँ जिसमें ज़्यादा है उसको थोड़ी निकाल के उसे गमले में कर देंगे, और इसमें अपन ये जो खाद है ये डालेंगे। तो देखिए इसमें हमने खाद डाल दी है बहुत अच्छे से, इसमें हमने वर्मी कंपोस्ट था वो डाल दिया है। चलिए अब अपन दूसरे गमले में डालते हैं, इसमें भी दूसरे गुलाब में भी एक्चुअली थोड़ी सी मिट्टी ज़्यादा है, इसमें भी हम कम करेंगे क्योंकि मिट्टी थोड़ा हमने कम कर दिया, अब हम इसमें थोड़ी सी खाद दिए। देखिए कितनी सुंदर लग रही है, कल गुड़ाई करने के बाद अभी हम लोग सब सुबह देखने आए तो प्लांट सच में हर प्लांट में बहुत इम्प्रूव हुआ है। यहाँ पे देखिए गुड़हल, इसकी मिट्टी कम करना है, सब में थोड़ी ज्यादा हुई हाँ। कम कर देखिए आप, हमने देखिए इन सभी का सभी पॉट्स में हमने खाद वर्मी कंपोस्ट डाल दिया है, सारे पॉट्स में हमने देखिए आप कंप्लीट कर दिया है। ये देखिए गुलाब में तो अच्छी, ये 12 मसीह में भी हो गया है। ये देखिए आप अराजिता में, आप इसके पहले के 2 वीडियो देखेंगे तो आपको लग रहा था इनमें फूल आना कम हो गए थे, लेकिन कल गुड़ाई के बाद आप देखिए असर, ये देखिए कितने सारे फूल दिख रहे हैं इसमें, देखिए छुपे हुए हैं। तो गुड़ाई के बाद इसमें भी 4-5-6 फूल भी दिख रहे हैं, और ये मार्शल प्लांट इसमें नहीं डाला आपने, इसका ये पुदीना, धूप, समी, और ये रहा मीठा नीम, तुलसी माता। ये देखिए बेलपत्ती की पत्तियाँ कल से बड़ी हो गई हैं, इसमें भी डाल देते हैं। ये रहा अपराजिता, और इसमें भी हम मिला देते हैं। इसमें देखिए नीचे से ये जो आ रही हैं इनको हमको हटाना है, ये नीचे से पत्तियां आ रही हैं, ये जो आ रहे हैं ना इनको सबको एक्चुअली हटाना है, क्योंकि ऊपर ही ग्रोथ करेंगे नीचे से, ये इसमें ये रहा रातरानी, और इसमें भी मिला देते हैं। इसमें भी जो नीचे से पत्तियां आ रही उनको भी हटाना है एक्चुअली। ये खाद अपन कितनी डालें, कुछ मात्रा रहती है कि एकदम खाद का कोई मात्रा नहीं होती है, क्योंकि मात्रा तो खाद का पॉट्स के लिए, खेत के लिए मात्रा होती है, लेकिन पॉट्स के लिए कोई मात्रा नहीं है, अनुमान से आप थोड़ा डाल दीजिए। तो ये है टमाटर की पौध, ये देखिए आप जो हम अपना अनुभव बता रहे हैं, कल जो हमने गुड़ाई करने के बाद इनकी सबकी हाइट बढ़ी है और पत्तियों की संख्या भी बढ़ी है,
और चमक आ गई है, चमक आ गई है, अलग ही रौनक है प्लांट में। तुलसी माता में भी देखिए आप, आपको कल से आज की वीडियो में बहुत अंतर दिखेगा। ये श्यामा ही है ना? श्यामा नहीं है, रामा है। ये भी रामा है? रामा ही, श्यामा नहीं है, श्यामा नहीं है ना। तो एक्चुअली कल हमने गुड़ाई कर दी थी, आज हम इसमें खाद डाल रहे हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि खाद डाल के, खाद डालने के बाद गुड़ाई कर सकते हैं, तो मिट्टी में वो खाद जाके नीचे मिल जाएगी। और दूसरा तरीका जो हम कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली हमारे पास कल खाद अवेलेबल नहीं थी, कल हमको गुड़ाई करनी थी, गुड़ाई कर दी, अब हम इसके चारों ओर डाल के डाल देते हैं। तो एक्चुअली प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है दोनों तरह से, क्योंकि पॉट से खेत में हम लोग खाद डालने के बाद गुड़ाई करते हैं, और इसमें जो है डालने के बाद एक्चुअली जब पानी गिरेगा तो ऑटोमेटिकली इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो नीचे उसकी रूट्स तक पहुँच जाएंगे, क्योंकि हमें इसके न्यूट्रिएंट रूट्स तक पहुँचाने हैं। तो ऐसा हम करेंगे तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। देखिए आप, हमने ये डाल दी है, देखिए बढ़िया अच्छे से उसको हमने पौधे को चारों तरफ से, हम चाहें तो हम अपनी खुरपी से उसको मिला भी सकते हैं, चाहें तो ऐसे करके मिला सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि पॉट्स में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, लेकिन ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि पानी गिरेगा तो ऑटोमेटिकली न्यूट्रिएंट्स नीचे पहुँच जाएंगे और ये मिट्टी भी सॉफ्ट हो जाएगी ऑटोमेटिक। मिट्टी तो सॉफ्ट पहले से है ना? हाँ, और अच्छी हो जाएगी। अभी हम पानी डालेंगे ना, इसके बाद डालने के बाद इसमें हम पानी भी डालेंगे। हमने कल से इसमें पानी नहीं डाला है, लेकिन कल थोड़ा सा पानी गिर गया था, हमारी गुड़ाई करने के बाद शाम के समय थोड़ा सा इसमें पानी गिर गया था, तो हमें शाम को पानी देने की जरूरत नहीं पड़ी। नेचर भी पूरा हेल्प कर रहा है हमारी किचन गार्डनिंग में, जैसा हम चाह रहे हैं वैसे क्लाइमेट मिलता जा रहा है। तो देखिए आप, ये हमने इसमें खाद दे दी है, तो ये सब प्लांट अच्छे से देखिए ऐसे दिए। रहा करेले की पौध, इसमें भी दे देते हैं, है तो अभी छोटी सी, लेकिन दे रहे हैं क्यों? हाँ दे देते हैं ना, उसको क्या थोड़ा थोड़ा ज़्यादा नहीं देते, सबको जरूरत होती है, थोड़ा सा दे देते, ज़्यादा नहीं देंगे, थोड़ा बड़ा होगा ना तो फिर देने में आसानी रहेगी, लेकिन ठीक है थोड़ी बहुत अभी दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है थोड़ी सी। और यहाँ मिली है भिंडी में, तो एक अलग ही रौनक है, और सबकी हाइट बढ़ रही है, लीव्स भी देखिए कितने प्यारे ग्रीन कलर, कितना अच्छा लगता है, हरियाली का कलर ही बहुत अच्छा है ना, देखिए नई नई पत्तियाँ, नई पत्ती में एक अलग ही चमक रहती है। अब ये देखिए कि सीड्स सब साथ में ही हमने लगाए थे, लेकिन अब ये देखिए इस, ये प्लांट सबसे ज़्यादा हाइट और ग्रोथ कर रहा है, उसके बाद ये वाला नहीं, उसके बाद इसका नंबर आता है थर्ड, इसका बीच वाले का। तो इसमें भी हम खाद डाल देते हैं, ये कम पौधे हैं, छत किचन गार्डनिंग में बहुत ज़्यादा पौधे होते नहीं हैं, खेत की बात अलग है, खेत में प्रोसेस बिल्कुल अलग रहती है, लेकिन हमारे पास जितने कम पौधे हैं उनको हमको बेहतर से बेहतर करना है। तो उसके लिए ये टाइम से पूरी इसकी खाद देने की प्रक्रिया, कीटनाशक देने की प्रक्रिया वो सब करनी है। अभी खाद दे दिया ना हमने, अब हम इसको कल या परसों इसमें नीम पेस्टिसाइड हमारा रेडी हो गया है वो हम देंगे। अब नीम पेस्टिसाइड रेडी हो गया है तो अब वो रेगुलर 3 से 4-5 दिन की गैप पे हम इसमें रेगुलर स्प्रे करेंगे, वो भी आपकी एक्टिविटी हम आपको दिखाएंगे, तो वो हम कर रहे हैं। और अब तो रोज के वीडियो में आपने, क्योंकि प्लांट अब अपनी ग्रो में, ग्रोथ स्टेज में है, तो इनको रोज में ना कुछ तो देना ही पड़ेगा, तो आप ब्लॉगिंग को बिल्कुल रोज़ मिस मत करिए, रोज़ देखिए कंटिन्यू, हर दिन एक नई जानकारी देने की पूरी कोशिश रहेगी हमारी, नई एक्टिविटी भी रहेगी, नई नई जानकारी भी रहेगी, बहुत कुछ करना है अभी, तो बहुत लोगों को पसंद आ रहा है ये वीडियो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर अच्छा लग रहा है तो। जो पेड़ पौधों से, प्लांटेशन और किचन गार्डनिंग से प्यार करते होंगे, उनको बहुत लगाव होगा, तो वो पक्का, मैं उम्मीद करती हूँ कि वो लोग तो पक्का इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि यहाँ हमारी स्टेप स्टेप बाई और पर डे जो भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है हमारे प्लांट में, वो सब दिखाने की पूरी कोशिश है, क्यों हर दिन चेंज होता है, और हम तो ये सोचते हैं कि हर घंटे में चेंज होता है, अगर कोई कैमरा लगा दे यहाँ पे तो इतनी बारीकी से आपको देखने को मिलेगा, तो ये बच्चा हमारे से बड़ा होता है, तो उसकी हर पल की एक नई एक्टिविटी रहती है, नई ग्रोथ रहती है, वैसे ही प्लांट में रहता है, मतलब ये बच्चे जैसे ही पल रहे हैं, जैसे अपन बच्चे को पालते हैं तो उसको अच्छी सी टॉनिक देते हैं, खिलाई पिलाई अच्छे से करते हैं,
वैसे ही इनका भी ध्यान रखना पड़ता है। ये देखिए हमने गिलोई लगाई थी, इसमें तो देखिए ग्रीननेस है तो इसने जड़ पकड़ ली है। यहाँ आपको दिखाएं तो लौकी ने एक बार फिर से दर्शन दे दिए हैं। तो इस हमारी पूरी हृदय से दुआएं, बेस्ट विशेष लौकी के पौध के साथ है कि इसे कोई भी नुकसान ना पहुंचाए और ये अच्छे से ग्रो करे। तो आप भी सब भी इनके लिए प्रार्थना कीजिए कि अब कोई इसी बार इसीलिए पूरा खा गया पिछली बार भी यही कहा था लेकिन चूहा सुबह आके खा गया। अब तो चलो अब तो हम पूरा ध्यान रखेंगे कि चूहा तो कम से कम इसको नुकसान ना पहुँचा पाए। ये देखिए ये बिन्स है, इनमें भी हमने डाल दिया है। और ये है लहसुन। ये देखिए आप जो हम बोले थे सेम के लिए कि इसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, लेकिन कल गुड़ाई करने के बाद आज सुबह जब हम इसको देखा ना हमने तो इसकी थोड़ी पत्तियों में भी अलग चमक है, बड़ी भी है और थोड़ी सी हाइट भी बड़ी है। और ये देखिए 3G कटिंग के बाद प्लांट गिलकी की बेल आगे बढ़ते हुए, अभी तो देखिए ये आगे है जो पीछे थी ना वो आगे हो गई है अभी। लेकिन अब इसको देखिए बोल रही है भी हम थोड़ा एनर्जी ले रहे हैं, फिर देखना इसका 2-4 दिन में इसको देखना इससे आगे बढ़ जाएगी। हाँ। इसलिए हो रहा है हाँ। अभी आपने बोला ना कि इसकी हाइट बढ़ गई है, 3G वाले की हाइट कम है हाँ। इसका कारण क्या है? क्या है इसका कारण? ये है कि इसमें लीव्स है हाँ। खाना कहाँ बनता है पौधे का? लीफ में। लीव्स में हाँ। तो अभी इसमें लीव्स कम है, तो लीव्स हाँ। कम है तो इसके खाना उसको उतना हाँ। नहीं मिल रहा है जितना कि उसको हमें उसको चाहिए हाँ। मेन प्रॉब्लम ये है, तो इसलिए अभी जैसे लीव्स में आ जाएंगी और तो ये भी तो आप देख सकते हो बिल्कुल लाइव कि दोनों में कितना अंतर है। और इससे पहले की वीडियो देखेंगे तब इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी थी, अब इसकी ग्रोथ बढ़ रही है। इसमें बीच बीच में फूल आ रहे हैं क्या? ये फूल आएंगे ना, सब आएगा, फूल आएंगे सब आएगा। तो देखिए इसमें भी डाल दिया हम लोगों ने। ये खाद तो बहुत अमृत है, अभी इतनी अच्छी खाद है, बिल्कुल पूरी डिकम्पोज सड़ी को मतलब बर्मी कम्पोज। तो आप देखिए कि बिल्कुल ना कोई बदबू आएगी 1% इसमें, बिल्कुल बिल्कुल बदबू नहीं आएगी इसमें, और बिल्कुल भुरभुरी एकदम। थोड़ा सा इसमें मॉइस्चर, अगर मॉइस्चर और कम होता ना तो बिल्कुल आपको हाथ में चिपकती भी नहीं, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा मॉइस्चर ज़्यादा है। लेकिन मॉइस्चर से क्या फ़र्क पड़ता है, पानी तो वैसे भी डालना है। बात यह है कि ये बहुत शानदार है। एक्चुअली बर्मिंग कम्पोस्ट में होता क्या क्या है, तो बर्मिंग कम्पोस्ट हो या कोई गोबर की खाद हो, कोई भी कम्पोस्ट हो, शरीर में कम्प्लीट न्यूट्रिएंट होते हैं, NPK से लेके सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सब कुछ छोटी थोड़ी मात्रा में होते हैं। तो बर्मी कम्पोस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है पौधों को, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास इनकी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। तो इसीलिए हम खेती किसानी में DAP यूरिया डालते हैं वो लोग। लेकिन अब घर में हम ऑर्गेनिक करना है तो हमें खाद, देसी खाद इतनी देना है पौधों को कि उसमें DAP यूरिया वाली भी डिफिशियंसी कमी को ये खाद पूरी कर सके, क्योंकि हमको यूरिया DAP नहीं देना है, हमें केवल देसी खाद देना है। तो हम हर पंद्रह दिन में इसमें गुड़ाई करके और इसमें देसी खाद डालते जाएंगे। तो क्योंकि पौधे कम है कोई दिक्कत नहीं है, बड़े खेत में आप इतना सारा डालने में बहुत टफ होता है, खाद डालना महंगा ही पड़ता है, लेकिन घर में आप कर रहे हैं तो आसानी से कर सकते हैं। ये देखिए बरबटी के पौधे और देखिए इसकी पत्तियों में अलग ही बढ़ गई हैं, बहुत शानदार है हाँ, अच्छे से बढ़िया लगा इसमें। ये भी बेली है, तो दोस्तों देखिए ये हम टमाटर में पानी डाल रहे हैं खाद देने के बाद। तो आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपको एक सटीक जानकारी देने का पूरा प्रयास हमने किया है वो भी आपको मिली होगी। तो कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ और नई एक्टिविटी के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।